हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, रेडिएशन प्रेशर पढ़ लिया, ठीक है, और डुअल नेचर ऑफ मैटर एज वेल एज लाइट पढ़ लिया, ठीक है, इतनी बात। आगे बात करते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे एक्सरे, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में जरूर मिलेगा, ठीक है, इतनी बात। बोर्ड के सिलेबस में कतई नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कहीं पर एक्सरे लिखा हुआ नहीं होगा। एक को डी साइन थीटा वाली बात बता दूं, पहला रिफ्लेक्टेड यहां से ये डी था, ठीक है, इतनी बात। फिर ये ऐसे आया, ऐसे गया, दूसरा रिफ्लेक्टेड ये, तो भैया जो ये डी था, सॉरी, ये डी, ये थीटा, ये पाथ डी साइन थीटा, और ये भी कितना डी साइन थीटा, टू डी साइन थीटा, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आपको जर्मर डेविशा जर्मर एक्सपेरिमेंट इस बार सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ क्या है, हमने ये प्रूव करा था किसी मैटर के पास क्या है, डुअल करेक्टर है, ये बात जानी थी, ठीक है। अब लिखो जरा एक्सरे इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता था, मेटल प्लेट पे फोटॉन्स पड़ते थे सफिशिएंट एनर्जी के, तो मेटल प्लेट से क्या इजेक्ट होते थे, इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या है, मेटल टारगेट पे इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे तो क्या निकलेगा, फोटॉन्स निकलेंगे, बस इतनी सी बात है, उल्टा हो गया। मतलब वहां पर क्या था, फोटॉन्स पड़ने पर क्या इजेक्ट होते थे, इलेक्ट्रॉन्स, मेटल प्लेट पे फोटॉन्स पड़े तो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते थे, यहां पर मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स पड़ेंगे तो क्या निकलेंगे, फोटॉन्स निकलेंगे, इतनी सी बात है। तो लिखो जरा, लिखो एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक सुटेबल मटेरियल देन हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन इज एमिटेड आउट ऑफ मटेरियल, हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन इज एमिटेड आउट ऑफ मटेरियल। मैंने क्या कहा आपसे, किसी सुटेबल मटेरियल पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पड़ते हैं तो हाईली एनर्जेटिक क्या निकलता है, रेडिएशन निकलता है, ठीक है। कह रहा रिपीट करो, मैं लिख देता हूं, अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा है। ये कहानी है भाई। अब इनको एक्सरे क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय तक हमें विजिबल रेडिएशन पता था,
इंफ्रारेड पता था, अल्ट्रावायलेट पता था, पाया क्या गया कि अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा एनर्जी के हैं। ठीक है, इतनी बात, मतलब इनकी एनर्जी क्या है इन रेडिएशंस की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी ज़्यादा है। तो उसको हमने जैसे मैथ्स में वेरिएबल लेते हैं कोई भी नहीं पता तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो इसको भी हमने क्या मान लिया, एक्स रे मान लिया। ठीक है, इतनी बात। और इनकी जो वेवलेंथ पाई गई इन रेडिएशंस की वो पाई गई 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की। अगर इस ऑर्डर के रेडिएशंस निकलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। इससे बड़ी वेवलेंथ वाले अल्ट्रावायलेट होते हैं, 100 से लेकर के 3500 एंगस्ट्रॉम तक, 3500 से 7500 तक हम विजिबल कह देते हैं, उससे बड़े वाले क्या हो जाते हैं, इंफ्रारेड हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब ये हुआ कैसे प्रोड्यूस, तो सिंपल सी कहानी है कि ये रेंज किसके लिए हो गई, ये अगर इस रेड इस वेवलेंथ के फोटोन सेमिट होते हैं तो उसको हम क्या करें, एक्सरे करें। इससे बड़े वाले 100 टू 3500 तो अल्ट्रावायलेट होता है। ठीक है, 3500 से 7500 क्या होता है, विजिबल, 75 से बियॉन्ड क्या हो जाता है, इंफ्रारेड। ठीक है, ये कहानी है कुछ। अब जरा देखो एक मिनट, कहते हैं क्वांटा मींस पैकेट। ठीक है, कहां गया, तो पैकेट जब बोल दिया तो क्वांटा नहीं बोलूंगा मैं। ठीक, क्वांटा पता तो है नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो मैंने पैकेट बोला, पैकेट शायद हमें पता है। अब लिखो जरा प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, हमें चाहिए क्या, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिट करने वाला कोई डिवाइस चाहिए। ठीक है, तो लिखो जरा, पहला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गन, हम क्या लेते हैं, हम कोई ऐसा मेटल लेंगे जो इलेक्ट्रॉन इजिली एमिट करे। ठीक है, इतनी बात, इजिली एमिट करे, ऐसा कोई मेटल लिया हमने। ठीक है, और थर्मो आयनिकली एमिट कराना चाहते हैं। ठीक है, ताकि काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो, जीरो, हम उनको हाई एनर्जी में एक्सेलरेट कराने के लिए कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गन, लिखो, इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड बाय थर्मो आयनिक एमिशन, फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट, मतलब हम इलेक्ट्रॉन किससे निकाल रहे हैं, टंगस्टन फिलामेंट से, सराउंडेड बाय मॉलिबेडनम सिलेंडर। अब मॉलिबेडनम सिलेंडर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो फिलामेंट भी क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। ठीक है, इतनी बात, सराउंडेड बाय मॉलिबेडनम सिलेंडर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, अब वो इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट करवाएंगे। ठीक है, तो लिखो जरा, सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल डिफरेंस टू गेट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले इनके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, टू गेट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्डर, नियरली 20 किलो वोल्ट्स और ग्रेटर, 20 किलो वोल्ट्स और ग्रेटर, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अब अप्लाई करेंगे वो 20 किलो वोल्ट या उससे क्या होगा, ज्यादा का होगा। ठीक है, इतनी बात, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हम 20 किलो वोल्ट से, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या उतनी रखेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, डॉक्टर के पास जो एक्सरे रूम होता है भाई, आता तो 220 वोल्ट ही है, हाँ या ना, मतलब एक्सरे मशीन में
पक्की बात है कोई ना कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहा होगा जो 220 को क्या करता होगा, 22,000 तक करता होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो दिस सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी एसी और डीसी। अब डीसी लोगे तो बहुत बड़ा सोर्स चाहिए होगा 22,000 करने के लिए, ठीक है, तो एसी ज्यादा इजी है। तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी एसी और डीसी, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमें तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है इतना, ठीक है। अब बना लेते हैं जरा डायग्राम, है ना, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इनको हमने क्या करा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दी। यहां पर पहले नैरो से स्लिट जो इनको सीधा जाने दे, हमने बताया था ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है, लगा रखा होगा हमने कुछ, ठीक है। अब क्या कहानी है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, एक्सेलरेट हुए, एक्सेलरेट हुए तो क्या लिखा हमने, कोई पॉइंट लिखा अगला, ठीक है, लिखो जरा, इन अ कोलिज ट्यूब, ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसको कोलिज ट्यूब कहते हैं, इन अ कोलिज ट्यूब, ठीक है, अपनी बात, इनसाइड कॉपर ब्लॉक मेटल टारगेट इज एम्बेडेड, मतलब कॉपर ब्लॉक के अंदर ये मेटल टारगेट है, मेटल टारगेट इज एम्बेडेड, ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवानी है, टक्कर करवानी है, ठीक है। इन कोलिज ट्यूब इनसाइड कॉपर ब्लॉक मेटल टारगेट इज एम्बेडेड इन ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉन्स किस पे स्ट्राइक करेंगे, मेटल टारगेट पे, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मेटल टारगेट को हिट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हाईली एनर्जेटिक है, पहली प्रॉपर्टीज मेटल टारगेट की क्या होनी चाहिए, कि मेटल टारगेट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, भाई इतने ज्यादा एनर्जेटिक हैं तो टक्कर जब होगी गर्म जरूर होगा, अगर गर्म होगा, ठीक है, इतनी बात, अभी लिखो मत, मेटल टारगेट के बारे में मत लिखो, मतलब गर्म होगा तो या तो ये काम हो कि जैसे ही गर्म हो वैसे ही ठंडा हो जाए, तो उसके लिए हम ये चला सकते हैं, यहां पर कूलेंट चलाएंगे, मतलब बहुत सारी पाइप्स होंगी,
कूलेंट पाइप्स भी होंगी, ठीक है, इतनी बात, जो इसको गर्म नहीं होने देंगे, मतलब जो भी एक्सेसिव हीट है उसको क्या करेगा, बाहर लेके भाग जाएगा, ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब हम मेटल टारगेट की प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि मेटल टारगेट कैसा होना चाहिए। कॉपर ब्लॉक का काम क्या है? कॉपर ब्लॉक ब्लॉक क्या होता है भाई, मतलब अच्छा कंडक्टिंग होता है, तो जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी क्या करेगा, ठंडा भी होगा, ये काम है कॉपर ब्लॉक का, ताकि कूलेंट क्या कर सके, आसानी से हीट को, एक्सेसिव हीट को क्या कर सके, ले जा सके। ठीक है, अब एक ने कहा इलेक्ट्रॉन ही क्यों, अल्फा पार्टिकल क्यों नहीं लिए, ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमेशा प्रोड्यूस होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो आसानी से प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेटल से अगर हम वर्क फंक्शन से ज्यादा, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट कोई ले लें, ठीक है, वहां आसानी से वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल काम है। स्वयं कह रहा मतलब वो एक्सरे दे सकते हैं, तो यही आ जाता, ज्यादा अच्छा रहता, घर से पूछने का क्या फायदा, स्वयं है क्या, नहीं है, अल्फा पार्टिकल नहीं यूज करते भाई हम इलेक्ट्रॉन से। एक बात बता, सबसे पहले विलियम रॉन्गटन ने इलेक्ट्रॉन से करा होगा, मैं उसी का बेसिक बता रहा हूं, ठीक है, अब जिससे करना हो कर लेंगे। अब जरा देखो भाई, लिखो जरा मेटल टारगेट, मेटल टारगेट मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है, वरना पिघल जाएगा, ठीक है, मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट पहला, दूसरा हाई थर्मल कंडक्टिविटी, क्यों हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ताकि हीट जितनी जल्दी जनरेट होगी उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, कूलेंट लेके चला जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगी, तो दो पॉइंट तो ये हो गए, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी। और कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेटल टारगेट की, जो मेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या है, देखो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर मेटल टारगेट की जगह हाइड्रोजन एटम्स लेता, क्या लेता, हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन एटम्स लेता या हाइड्रोजन लाइक एटम्स लेता, ठीक है, इतनी बात, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन लाइक एटम के शेल में है, मान लो के वाले शेल में है, वो के से फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में गया, ठीक है, इतनी बात, एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन के पड़ने से, उसको एनर्जी मिली हाइड्रोजन लाइक एटम के इलेक्ट्रॉन को, वो एक्साइट होकर के फर्स्ट से सेकंड में गया, सेकंड में रहेगा तो नहीं, दोबारा से किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर का क्या रिलीज करेगा, फोटोन, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम होगा तो लाइमन सीरीज का इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब हाइड्रोजन अगर ले लाइमन, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का आएगा, हाँ या ना, किसका आएगा, अल्ट्रा वायलेट का, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेकंड शेल से, अब आवाज आ रही है भाई, सही, अबे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, इनको आवाज ही नहीं जा रही है सर, आ रही है। अब अगर सेकंड शेल से क्या कहते हैं, थर्ड में गया, मान लो कोई सेकंड में था, हालांकि होता नहीं है हाइड्रोजन लाइक के लिए, लेकिन कोई दूसरा एटम भी हो सकता था, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से सेकंड आया या थर्ड से फर्स्ट आया, अगेन अल्ट्रा वायलेट या विजिबल आएगा, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होगी वो काफी कम होगी। मैंने क्या कहा, यहां से जो फोटोन निकलने चाहिए, ये जो रेडिएशन आना चाहिए, ये रेडिएशन किस ऑर्डर का होना चाहिए, लेमडा फ्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए, हाँ या ना, इस ऑर्डर का होना चाहिए। इसके लिए अगर आप एनर्जी लेवल्स की बात करो, आपने जो एनर्जी लेवल पढ़ा हुआ है EN, दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है, मतलब आपका 100 किलो इलेक्ट्र�न, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही सब मिलता है, जेड की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो,
लेकिन मुझे चाहिए किस ऑर्डर का, अगर आप जरा एनर्जी निकालो, एच सी बाय लेमडा कर दो 100 वाले के लिए, ठीक है। एच सी कितना होता था, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला चाहिए, हाँ या ना, इतना ही आएगा ना, एच सी बाय लेमडा, ठीक है। कौन सी क्लास में है? अच्छा, अब और अगर और कम करो, अगर 0.1 वाला ले लूं तो कितना आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ या ना। मतलब इस ऑर्डर के लिए मुझे Z की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, काफी बड़ी करनी पड़ेगी, हाँ या ना। Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। Z की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, इतनी बात, मतलब हाई एटॉमिक नंबर, मेटल टारगेट का क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल क्या आएगा, बड़ा आ पाएगा, और फोटोन की वेवलेंथ क्या हो पाएगी, कम हो पाएगी, क्लियर इतनी बात। तो लिखो, जरा लिखो, मेटल टारगेट एटम मस्ट हैव हाई एटॉमिक नंबर, मेटल टारगेट एटम मस्ट हैव हाई एटॉमिक नंबर सो दैट डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल इज लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस एक्सरे फोटॉन्स, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इज लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस एक्सरे फोटॉन्स, मतलब एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस बड़ा होना चाहिए ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके, एक्सरे फोटॉन्स, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जरा देखो, ये बात हो गई हमारे पास, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है भाई कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन पड़े, एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन होने के बाद जब डी एक्साइटेशन होगा तो फोटोन प्रोड्यूस होगा, फोटोन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, वो ये भी कर सकता है कि किसी दूसरे एटम को एक्साइट कर दे, वो जो प्रोड्यूस्ड फोटोन है, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ऑगर इफेक्ट कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो लिखो, जरा लिखो, पहला पॉइंट, समटाइम्स एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस्ड बाय एन एटम समटाइम्स एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस्ड बाय एन एटम कैन गिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर अदर एटम, कॉपर के लिए तो दे ही देगा, हाँ या ना, कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर अदर एटम सच इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ऑगर इफेक्ट, AUGER, अब एक और चीज कि जो ये रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ इसकी इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी। अब एक बात बताओ, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो एक ही फोटोन प्रोड्यूस कर सकता है, दो आए तो दो कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा करेंगे, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा इस रेडिएशन की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, उतने नंबर ऑफ कौन होंगे, फोटॉन्स होंगे। तो लिखो जरा, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द टारगेट और वो भी किस पर डिपेंड कर सकता है। अगर फिलामेंट से प्रोड्यूस ही दो हो रहे हैं, साला दो ही हिट करेंगे। अगर फिलामेंट से प्रोड्यूस 100 होने लगे तो 100 की प्रोबेबिलिटी है हिट करने की, मतलब 100 फोटॉन्स आ सकते हैं फिर, ठीक है। तो लिखो जरा, लिखो,
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, सॉरी एक्सरे रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे रेडिएशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द फिलामेंट ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, दो टाइप का एक्सरे होता है भाई, मैंने आपको एक्सरे का मैकेनिज्म नहीं बताया कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो बात की बात है ठीक है। इतनी बात, दो टाइप का एक्सरे होता है, एक सॉफ्ट एक्सरे और एक हार्ड एक्सरे ठीक है। तो लिखो जरा, क्वालिटी ऑफ एक्सरे इज मेजर्ड बाय इट्स पेनिट्रेटिंग पावर। क्वालिटी ऑफ एक्सरे इज मेजर्ड बाय इट्स पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीजेज इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड, इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे वो हायर एनर्जी डिफरेंस का एक्साइट कर लेंगे, हायर एनर्जी डिफरेंस का एक्साइट कर लेंगे तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा क्या कर पाएगा, पेनिट्रेट कर पाएगा। तो मैंने क्या कहा, क्या लिखा हमने, व्हेन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड ठीक है। इतनी बात, हाई पेनिट्रेटिंग एक्सरेज आर कॉल्ड एज हार्ड एक्सरेज, हाई पेनिट्रेटिंग एक्सरेज आर कॉल्ड एज हार्ड एक्सरेज एंड लो पेनिट्रेटिंग एक्सरेज आर कॉल्ड एज सॉफ्ट एक्सरेज। अब एफिशिएंसी कि 100 इलेक्ट्रॉन पड़े तो कितने फोटॉन्स निकल सकते हैं उसके लिए, हालांकि ये सब चीजें नहीं पूछेगा जो मैंने अभी लिखाई है ना, ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे, बस वही बात है जो अभी करेंगे हम ठीक है। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का खेल क्या है, मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं तो कितने फोटॉन्स एमिट करेगा ठीक है। तो नीटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन्स पे ठीक है। नीटा इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 जेड वी, जेड इज एटॉमिक नंबर एंड वी इज व्हाट, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। बहुत ही वीक सी एफिशिएंसी है ठीक है। अगर हम टंगस्टन ले लें तो कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 74 ठीक है, और वोल्टेज मान लो मुझे दे दिया 100 किलो वोल्ट, कितना दे दिया 100 किलो वोल्ट। तो अब अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 0.01। अब अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो गया, 1% आ गया ठीक है। तो एफिशिएंसी इज नियरली व्हाट, 1% फॉर दिस डाटा ठीक है, इससे कोई मतलब है नहीं खैर। अब लिखो जरा लड़की, मैंने लिखा एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू कितना बताया मैंने, ठीक है ये आ गया ठीक है, ये एफिशिएंसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, कुछ लेना देना नहीं है। अब लिखो जरा मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। अब आते हैं मेन काम पे, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ठीक है, या एक्सरे स्पेक्ट्रम और एक्सरे स्पेक्ट्रम दो टाइप का है, पहले पहला वाला पढ़ेंगे फिर दूसरा वाला पढ़ेंगे। तो लिखो जरा कॉन्टिन्यूअस एक्सरे,
ये भी कहते हैं भाई, ठीक है। इतनी बात, जर्मन वर्ड है ब्रेक लगाने। अगर किसी ने 7th 8th 9th 10th में कुछ लेते नहीं, फ्रेंच जर्मन टाइप के कुछ लैंग्वेजेस तो पढ़ा होता, तो इसको ब्रेकिंग कहते हैं, ठीक है। नहीं फ्रेंच वर्ड तो नहीं है, वो जर्मन है, ठीक है। ब्रेकिंग रेडिएशन कह सकते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, अब खेल के हमारे पास, ध्यान सुनो, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतनी बात, तो वो मेटल टारगेट के एटम्स के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। कैसे इंटरैक्ट करेंगे वो देखते हैं। मेटल टारगेट क्या था, जिसका जेड काफी बड़ा था, ये ऑब्वियस ही बात है। तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, कई शेल होंगे भाई जेड बड़ा है तो, अरे हाँ या ना, ऐसे इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा आ रहा है, ठीक है, विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। मान लेते किसी के साथ ये टकराया नहीं, ठीक है, किसी के साथ टकराया नहीं अभी, क्योंकि एटम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, किसी के साथ नहीं टकराया, ठीक है, किसी के साथ नहीं टकराया, तो इसका कुछ पाथ ऐसा होगा कि नहीं होगा। ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, दिस वुड बी समवट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा इसके पास, एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स लगना शुरू हो गया, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन आ गया तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट करना शुरू करता है कि नहीं करता है, हाँ या ना। और जैसे ही रेडिएशन एमिट होंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात। तो जब ये यहां निकलेगा तो दिस वुड बी के फाइनल, क्या होगा, के फाइनल। अब जो इसने रेडिएशन एमिट करे इस नाटक के दौरान, वो होगा कितना, के इनिशियल माइनस के फाइनल एनर्जी के, भाई बाकी लूज कर गया कि नहीं कर गया, हाँ या ना, फाइनली के फाइनल से क्या कर गया, बाहर निकल गया, ठीक है, इतनी बात। तो रेडिएशंस एमिटेड विल हैव एनर्जी के आई माइनस के एफ, हाँ या ना, हेलो हेलो हेलो, यार बोलते ही नहीं, तो लिखो जरा, रेडिएशंस एमिटेड विल हैव एनर्जी के आई माइनस के एफ, के आई माइनस के एफ, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मान लो सिंगल रेडिएशन एमिट हुआ और निकल गया है, तो एनर्जी ऑफ दैट रेडिएशन विल बी के आई माइनस के एफ, यानी कि वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन विल बी एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई वी माइनस के एफ, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, ये सुनो, अब एक बात बताओ, मनकीरत क्या कहना चाहती है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बाकी इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हो गए, पहले बता मुझे, ये इलेक्ट्रॉन तो किसी से टकराया ही नहीं, ऐसे निकल गया, ये जो फोटॉन्स एमिट हुए इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पढ़ना है कि ये कहां गए, ठीक है, ये बाहर भी निकल सकते हैं रेडिएशन के फॉर्मेट में, ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं अभी, ठीक। अब सुनो क्या कह रहा है, हेलो हेलो, अच्छा, अब देखो भाई, अब जरा ध्यान दो, ये कहानी आ गई मेरे पास। अब आप एक चीज देखो, जो वेवलेंथ एमिट हुई इस रेडिएशन की, दैट इज एच सी अपॉन ई वी
माइनस के एफ, हाँ या ना? अरे यही हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन विल बी ईवी अगर के एफ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हाँ या ना? अगर मैक्सिमम एनर्जी का हम फोटोन देखें तो कितने का होगा? ईवी का होगा। तो लिखो जरा, लिखो लिखो, लिखो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड एक्सरे फोटोन इज ईवी, हाँ या ना? अब एक और मजेदार बात, अगर मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन निकल रहा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी, उससे छोटी वेवलेंथ का कोई फोटोन नहीं निकलेगा। ठीक है, इतनी बात तो लिखो जरा, लिखो कॉरस्पॉन्डिंग टू विच, कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एमिटेड फोटोन विल हैव मिनिमम वेवलेंथ कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ, कॉल्ड एज कट ऑफ वेवलेंथ। कितना? लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी अपॉन ईवी, हाँ या ना? इससे छोटी वेवलेंथ का कोई भी एक्सरे रेडिएशन नहीं होगा, ये बात तय है। इससे बड़ी वेवलेंथ का हो सकता है, इससे बड़ी वेवलेंथ का इन्फिनिटी का भी हो सकता है, अगर के एफ क्या हो जाए, ईवी के बराबर हो जाए, हाँ या ना? हालांकि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, लेकिन हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो अब हमारे पास जो रेडिएशन कॉन्टिन्यूस एक्सरे में आया उसकी वेवलेंथ लेमडा मिनिमम से इन्फिनिटी के बीच में है या नहीं है, नोट करें सारी चीजें। मतलब ये हो गया एक्सरे रेडिएशन फॉर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, हो गया भाई, क्लियर है? और लैम्डा मिनिमम कितना होगा? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन ईवी, या 1242 अपॉन वी नैनोमीटर में, हाँ या ना? ठीक है, अब एक और चीज, इंटेंसिटी की बात करें कि ये जीरो मिनिमम से इन्फिनिटी तक वेवलेंथ वाले हैं, तो मिनिमम वाले कितने फोटॉन्स होंगे, मिनिमम से थोड़े बड़े वाले कितने होंगे, इन्फिनिटी वाले कितने होंगे? तो एक बात का ध्यान रखना, मिनिमम वाले भी निकम्मे से होते हैं और मैक्सिमम वाले भी निकम्मे से होते हैं, बीच में किसी वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो अभी मैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस वाली बता रहा हूँ, दूसरे वाला तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं करा। ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, क्या चीज कहाँ पर, क्यों मैथ्स पढ़ रहा है? ठीक है, जो लिख रहा हूं मान ले उसे। अब लिखो जरा, लिखो वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे विद वेवलेंथ, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे विद वेवलेंथ। अब जरा देखो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना, ये आई और ये हमारे पास लैम्डा। सबसे पहले लैम्डा मिनिमम वाले ही बहुत कम होंगे, लैम्डा मैक्सिमम वाले ही बहुत कम होंगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इतनी बात, दिस इज लैम्डा मिनिमम या कट ऑफ।
ठीक है, क्लियर है ये कहानी आ गई। अच्छा एक और चीज, अगर मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा दूं तो लैम्डा मिनिमम क्या करेगा, घटेगा, हाँ या ना? अरे एच सी वाई ईवी तो था, लैम्डा मिनिमम और क्या कर जाएगा, घट जाएगा, अरे यस और नो? ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, इफ वी इंक्रीजेस लैम्डा मिनिमम डिक्रीजेस। क्लियर है? बेटा हमारे पास आया था एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई वी माइनस के एफ, ये आया था। लैम्डा की मिनिमम वैल्यू बतानी है, कब हो सकती है तो खुद सोच ले। अगर के एफ को मैं जीरो कर दूं, के एफ को क्या कर दूं, जीरो, तो लैम्डा अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अरे जिसने पूछा अदिति भाई, इस के एफ को जीरो करो, यू विल गेट लैम्डा एज व्हाट, मिनिमम। ठीक है, दैट वुड बी एच सी बाय ईवी। अब जरा कुछ पॉइंट लिख लें। अच्छा एक और चीज, किसी एक वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है या ना? इस वेवलेंथ को मैंने लैम्डा नॉट ले लिया भाई, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना ही रॉन्गटन के पास है अभी तक, मतलब विलियम, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या कहते हैं, जो भी, हाँ जर्मनी में कुछ ऐसे लिखते हैं, हाँ मुझे पता है भाई, जर्मनी में विलियम को कुछ अलग लिखते हैं, ठीक है, अब इतनी अंग्रेजी, कुछ ऐसा ही है नाम ना इसका, जो भी है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, मुझे पता है, ठीक है। अब जो बता रहा हूं उसको भी नहीं पता, लेकिन रिजल्ट यही मिलता है, ठीक है, क्या रिजल्ट मिलता है, लैम्डा नॉट अंडर रूट वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है उसका प्रोडक्ट किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा दूं तो लैम्डा नॉट घट जाएगा, मतलब जिस पे इंटेंसिटी क्या आएगी, और एक्चुअल में सही बात है क्योंकि ये भी घटता है तो इसको भी लेकर इधर चला जाता है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन रिलेशन ये आया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, ना ही ये कहीं पूछा जाएगा, किसी के पास प्रूफ नहीं है। अब दिस वॉज एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस्ड, हर एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया था, ठीक है, जितनी बार भी हमने करा। अब लिखो जरा, लिखो कंसेप्ट ऑफ लैम्डा मिनिमम इज थियोरेटिकल, कंसेप्ट ऑफ लैम्डा मिनिमम इज थियोरेटिकल, इन प्रैक्टिस दिस वेवलेंथ इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, एक्चुअल में ऐसी कोई वेवलेंथ प्रोड्यूस होती नहीं, लेकिन एक थियोरेटिकल है कि इससे छोटा नहीं मिलेगा कभी भी। दूसरी चीज, इस पूरे ड्रामे में कहीं पर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स का कोई कोलिजन नहीं है किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन या एटम के साथ में, ठीक है, इतनी बात। तो लिखो जरा, लिखो कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम is due to Maxwell's electromagnetic theory. Accelerated charge produces what? Radiation. हाँ या ना? उसका कोई लेना देना नहीं, किसी जगह टक्कर हुई, एक्साइटेशन हुआ, ये सब कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरा एक्सरे पढ़ो भाई, लिखो जरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मोस्टली पढ़ा हुआ है सबने, मोस्टली लॉ क्या करता है, क्यों आता है, खोल के कूद जाए यहां से। अब लिखो जरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, अब जरा देखो यार, अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या है, हमारे पास एटम है, एटम का पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ऐसे होंगे,
उन शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे इनर मोस्ट के एल एम एन ओ एंड सो ऑन, पता है मैं से, ऐसी शेल्स होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स आए वो किसी एक शेल के किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, मान लो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया वो के वाले से टकरा गया, अपनी एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दी, इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो वो क्या करेगा, एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो पहले लिखो जरा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हेडिंग डाल ली, लिखो दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टारगेट मेटल एटम, ऑफ टारगेट मेटल एटम बाय एनर्जेटिक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स, बाय एनर्जेटिक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, क्या कहानी है, यहां पर नॉकिंग होती है एटम के इलेक्ट्रॉन्स की, किसके, टारगेट के एटम के इलेक्ट्रॉन्स की, किससे, बाय इनकमिंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात, तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स यहां वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसको एनर्जी देने के बाद उसको क्या कर सकता है, एक्साइट कर सकता है, एक्साइट करने के बाद जब वो डीएक्साइट होगा तो क्या रिलीज करेगा, फोटॉन। ठीक है, इतनी बात, तो अब जरा देखो एक मिनट, मान लो अब एक बात बताओ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां वाला डिसलॉज हुआ, वो एल में जा सकता है, एम में जा सकता है, एन में जा सकता है, ओ में जा सकता है, फर्दर और भी ऊपर जा सकता है अगर है पॉसिबिलिटी तो। ठीक है, इतनी बात, तो अब हमने क्या कहा, जब ये वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, उसको हमने के, मतलब ये सीरीज क्या हो गई, के सीरीज एक्सरे, क्योंकि कहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, के से, इसको क्या कहते हैं, के सीरीज एक्सरे। ठीक है, इतनी बात, ये हो गया के अल्फा, ये हो गया के बीटा, ये हो गया के गामा, ये हो गया के डेल्टा एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं जब वापस आएंगे तो। अब एक बात बताओ, के अल्फा की एनर्जी क्या होगी, ई एल माइनस ई के। अरे भाई ठीक है, मतलब एनर्जी ऑफ के अल्फा विल बी EL माइनस EK, और इसकी एनर्जी माइनस इसकी एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर का फोटोन एमिट करेगा, मतलब इस वाले एक्सरे फोटोन की एनर्जी क्या होगी, EL माइनस EK, इस वाले की EM माइनस EK, इस वाले की EN माइनस EK। ऐसा भी हो सकता है कि O में गया, O से फिर N आया, N से फिर K आया, वो तो रेडिएशन हमें पता ही है जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। अरे यार, आते हुए तो कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अब क्या कहानी है, इसको हमने क्या कहा, के अल्फा के बीटा के गामा एक्सरे। अब एक मजेदार बात देखो, एनर्जी ज्यादा किसकी है, डेल्टा वाले की, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, हाँ या ना। तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी, अल्फा वाले की वेवलेंथ ज्यादा, फिर बीटा वाले की, फिर गामा वाले की, फिर डेल्टा वाले की एंड सो ऑन। ऐसी होगा कि नहीं होगा, मतलब किसी भी सीरीज में अल्फा वाले की वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी उसकी क्या है, कम है। अरे यार, यस और नो, ठीक है, विद इन सीरीज, ठीक है, ये के सीरीज या किसी भी सीरीज के लिए बात बन जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर एल वाला नॉक हुआ, देखो जरा,
एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, ये कौन सा सीरीज हो गया? एल सीरीज। हाँ या ना, एल सीरीज हो गया कि नहीं हो गया? अगेन अगर मैं एल अल्फा की बात करूं तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ई एम माइनस ई एल। हाँ या ना। अब एक और चीज, एनर्जी ऑफ के सीरीज इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एल सीरीज, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एम सीरीज, ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एन सीरीज एंड सो ऑन। ये तो हमें पता है कि नहीं पता है? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स व्हाट डिक्रीजेस। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर हम किसी का अल्फा लेते हैं तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, किसी एक पर्टिकुलर विद इन द सीरीज। अगर किसी पर्टिकुलर सीरीज का अल्फा लेते हैं तो उसकी बीटा वाले से एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बीटा वाले से कम होगी तो लेमडा ऑफ अल्फा विल बी ग्रेटर देन व्हाट? लेमडा ऑफ बीटा। अरे यस ऑर नो? ठीक है, ये कहानी आ गई, नोट करो इसे। हो गया। मतलब यहां पर किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम। हाँ या ना। ठीक है, कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड है। हो गया। अब जरा देखो यार, अब अगर हम इसका क्या बनाएं, इंटेंसिटी का ग्राफ, मैग्नीट्यूड कंपेयर किए हैं एनर्जी के। हाँ कंपेयर किए हैं, क्या दिक्कत है? हाँ यूश बता, क्या समस्या है? बिल्कुल सही कंपेयर करें, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, इतनी बात। अब हम इंटेंसिटी का ग्राफ बना दें भाई। लैम्डा मिनिमम ये तो था ही पहले से। हाँ या ना। अब एक बात बताओ यार, एनर्जी ऑफ के वाला एल वाले से ज्यादा है तो के वाले सीरीज की वेवलेंथ एल वाले से क्या होगी? कम होगी। हेलो, अब बता। मैंने देखा ही नहीं यार। ठीक है, अभी क्लास में हूँ, फिर देखता हूँ उसके बाद। ठीक है, ठीक। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है हमारे पास? तो के वाले की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, पक्की बात है ना। के वाले की एनर्जी ज्यादा होगी तो के वाले की वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। और के वाले में भी एक मजेदार बात देखो, अगर के वाले में भी ध्यान दो तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? डेल्टा की, उसके बाद बीटा की, उस गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा की। तो अगर मैं यहां पर देखो, कॉन्टिन्यूस तो होता ही रहता है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक भी होने लगे अगर, तो इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। तो क्या और कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रीट होगा? कैसा होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? डिस्क्रीट, क्योंकि लैम्डा अल्फा और लैम्डा बीटा लगातार नहीं हो सकते। कॉन्टिन्यूस क्या था? लगातार हो सकता था। अरे यस ऑर नो? ठीक है, इतनी बात। तो क्या खेल है हमारे पास? अगर यहां पर मैंने बनाया के गामा, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा वेवलेंथ वाला कौन आएगा? के बीटा। इससे थोड़ी सी ज्यादा वाला वेवलेंथ वाला क्या आएगा? के अल्फा आएगा। हाँ या ना। अरे सबसे सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी थी? अल्फा की थी ना, तो अल्फा वाला यहां निकला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अल्फा वाला यहां पर है, बीटा वाला इधर होगा, गामा वाला इधर होगा, और डेल्टा अगर होगा तो इधर होगा। और अगर डेल्टा होगा तो ठीक है, जरूरी थोड़ी कि सारे ही होंगे, हो सकता है लैम्डा मिनिमम से छोटा होता हो, ना निकल रहा हो कुछ। ठीक है, अब इसके बाद कौन आएगा? एल आएगा। एल बीटा बनाया मैंने, तो यहां क्या बनाया? एल अल्फा। उसके बाद यहां पर एम बीटा, तो यहां पर क्या आ गया? एम अल्फा। ऐसे और भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ठीक है, इतनी बात।
अब ये कहानी हो गई हमारे पास, ठीक है। अब भाई देखो, बाकी चीजें आपको पता ही हैं, लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, चार फोटोन प्रोड्यूस हुए थे इस वाली वेवलेंथ वाले, ठीक है। एक के गामा वाले भी आ गया, नॉर्मली चार ही हो रहे थे, एक यहीं पर के गामा वाला हो गया, तो पांच आ गया। तो अचानक इंटेंसिटी उस जगह पर क्या कर गई, बढ़ गई। ये कहानी है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, कि कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विद कॉन्टिन्यूस इज व्हाट, ग्रेटर इंटेंसिटी, ठीक है। अब हो सकते हैं, कोई जरूर थोड़ी एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है। अब लिखो जरा प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, पहला पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनविजिबल टू आइज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनविजिबल टू आइज, यही बात है, सही है। अरे विजिबल से तो काफी छोटी वेवलेंथ है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इनविजिबल टू आइज। दूसरा, कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड, हाँ मतलब पोलराइज्ड अंडर सूटेबल कंडीशन, सारी चीजें, हाँ या ना। अरे यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है, ठीक है, वेव ही है, तो रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, पोलराइजेशन भी हो सकता है अंडर सूटेबल कंडीशन, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन है, फोटोन है, फोटोन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो नॉट डिफ्लेक्टेड बाय ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगला, सूर्य क्या कह रहा है, फोटोन है रेडिएशन, तो ई और बी से तो क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो कहना कहते रहे चैट बॉक्स में। अब अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन ऑर्डिनरी लाइट, अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट मोर स्ट्रांगली देन ऑर्डिनरी लाइट, फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्रांग इफेक्ट होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। बता रहा हूं कैसे, लिखो, हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर कैन पास थ्रू पेपर और फ्लैश, हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर कैन पास थ्रू पेपर और फ्लैश। तो अगर मैं हर्षित को खड़ा कर दूं एक फोटोग्राफिक प्लेट के सामने, ठीक है, और सामने से एक्सरे चला दूं, तो खत्म नहीं होगा भाई, हड्डियों की इमेज बन जाएगी, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, कैरिकेचर आ जाएगा पूरा, है ना, और बाकी फ्लैश वगैरह के थ्रू क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, तो इफेक्ट दिख गया, ठीक है। हैविंग हाई पेनिट्रेटिंग पावर कैन पास थ्रू पेपर और फ्लैश, कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सही बात है। अगर एक्सरे को किसी मेटल प्लेट के ऊपर हिट कराएं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक है, कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैन आयनाइज गैस थ्रू विच इट पासेस, कर सकता है, अभी किसी गैस के थ्रू पास करेगा तो गैस के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, बाहर निकाल के आयनाइज भी कर सकता है, ठीक है, कैन आयनाइज गैस थ्रू विच इट पासेस। और अगर किसी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे पड़ेगा तो फ्लोरोसेंस का इफेक्ट आएगा, तो लिखो जरा, प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, यार एक ही बात है, स्पॉट देखने चाहिए, ठीक है, कैन प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, जिंक सल्फाइड वाला फ्लोरोसेंस होता है शायद, और कुछ और मटेरियल होगा तो फॉस्फोरेसेंस दिखा देते हैं, ठीक है, कैन प्रोड्यूस जेनेटिक म्यूटेशन, कर सकता है बिल्कुल, कैन प्रोड्यूस जेनेटिक म्यूटेशन। अब एक और चीज भाई, जो जेई एडवांस में सवाल आया फालतू, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं था, वो क्या कहता है, अगर कोई ये मटेरियल है, या कोई भी मटेरियल, सॉलिड बॉडी क्यों लिख रहा हूं, यहां पर एक्सरे पड़ा,
इस जगह पे पढ़ते हुए इसकी इंटेंसिटी क्या थी, आई नॉट, कितनी थी आई नॉट। तो एक्स दूरी जब इसके अंदर चला गया रेडिएशन, कितना चला गया एक्स दूरी पे, तो इंटेंसिटी आई हो गई, आई इज आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू इंटू एक्स। इसी पे इंटीजर टाइप सवाल बनाया था उसने, ठीक है, इतनी बात की वन सेंटीमीटर में क्या हो गई, आधी हो गई, तो वन फोर्थ कितनी दूरी में होगी, ठीक है, तो अपने आप कर लेना भाई वो, ठीक है। तो अब ये आ गया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स, म्यू इज एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट ऑफ द मटीरियल, म्यू इज एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट ऑफ द मटीरियल, आई नॉट इंटेंसिटी इनिशियल है जहां पर वो पड़ा, और आई क्या है जहां पर हम पहुंच गए, ठीक है, इतनी बात। म्यू इज एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट ऑफ मटीरियल, और कैसा ग्राफ होगा इसका, ई की पावर माइनस एक्स का, बना लोगे आप, हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखो यार, इसके एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, ठीक है, हड्डियां टूटती हैं वो तो है ही, लिखाऊंगा नहीं, जैसे मतलब मेरा पंजा है, ठीक है, इतनी बात। अब मैंने नॉर्मल आदमी के पंजे का एक्सरे ले लिया, ठीक है, और फिर डॉक्टर तो रटता ही है, उसे कुछ फालतू काम करता है भाई, नॉर्मल आदमी का एक्सरे उसे पता है, ठीक है। अब अगर ये टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया कहीं बीच में, तो यहाँ गैप आ जाएगा, तो एक्सरे लेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, काला सा दिखाई पड़ेगा, बाकी ऊपर हड्डी और नीचे हड्डी, तो यानी कि यहाँ पर क्या कर गया, टूट गया भाई, ठीक है, इतनी बात। तो इसी तरीके से हम जैसे ब्रिज वगैरह में कहीं क्रैक है या नहीं है, मतलब किसी, तो हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, कोई सामान हमने बनाया मेटल का है मान लो, तो उसमें कहीं बीच में क्रैक आया या नहीं आया, तो उसके लिए हम उसको किसके थ्रू पास करते हैं, एक्सरे के थ्रू। जहां पर क्रैक आया होगा वहां से क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, तो दिखाई पड़ेगा भाई क्रैक है यहाँ पर, ठीक है, इतनी, बाकी जगह से पास नहीं करेगा, तो उसकी क्या दिख जाएगी, इमेज दिख जाएगी, ठीक है। तो हम इसको किस में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मेटलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी, अभी पढ़ेंगे हम, क्रिस्टलोग्राफी हमने पढ़ ली है, डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसी को क्रिस्टलोग्राफी कहते थे, ठीक है। अब सर्जरी में यूज कर ही रहे हैं, ये सब फालतू बकवास है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। एप्लीकेशन आप लिख लोगे, लिखो एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे, किसी भी ऑर्थोपेडिक के पास हजारों मरीज पड़े होते हैं, ठीक है, रोज टूट के आते हैं, सबसे बड़ा एप्लीकेशन है। अब क्या कहानी है, मॉसलीज लॉ, मेन चीज तो ये है, हाँ, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, बस अपने आप लिख लेना, तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, तो फिर क्या फायदा, लिखो मॉसलीज लॉ, हे भगवान, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तूने, ठीक है। अब देखो भाई, पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, किसने दिया था, बोर ने कैसे दे दिया बेटा, देखो मेंडलीफ वगैरह ने सबने नाटक किया था, एक्चुअल काम मॉसली का ही था, ठीक है, अगर मॉसली ना होता तो पीरियोडिक टेबल सही ना आता, ठीक है, और एक्सरे ना डिस्कवर हुआ होता तो पीरियोडिक टेबल कभी भी सही ना होता। पहले हमने पता नहीं कैसे कैसे वॉल्यूम और पता नहीं कौन कौन से लोदरमेयर मेथड, मतलब कई सारे एटॉमिक मास, बहुत सारे तरीके से हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो मॉसली ने क्या करा, उसने क्या करा, हर एलिमेंट को एक्सरे वाले एक्सपेरिमेंट में मेटल टारगेट बनाया, क्या बनाया, टारगेट बनाया, मतलब उसने क्या करा, मेटल नहीं टारगेट, मैंने मटेरियल लिखाया था, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने हर मटेरियल को, हर एलिमेंट को मटेरियल टारगेट बनाया एक्सरे वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, इतनी बात। वहां से उसने क्या करा, भाई हमें वेवलेंथ तो मिल रही थी ना, कौन सी वाली, कैरेक्टरिस्टिक वाली, कॉन्टिन्यूस वाली नहीं मिल रही थी हमें, कॉन्टिन्यूस वाली तो हमें मिनिमम ही पता चल रहा था, बाकी तो हम कह रहे थे इससे बड़ा सब कुछ हो सकता है, हाँ या ना, या हमें पता थोड़ी चलता कि बाद में उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन निकला तो कितनी एनर्जी से निकला, वो तो हम एक तुक्का मार रहे थे कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक वाली बाकायदा मिल रही है भाई, अगर फर्स्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन नॉक होकर के सेकंड में गया तो के अल्फा मिल गया, फर्स्ट वाला थर्ड में गया तो के बीटा मिल गया, फोर्थ में गया तो के गामा मिल गया, इस टाइप से, ठीक है, इतनी बात। तो मॉसली ने क्या करा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की सिस्टमेटिक स्टडी करी हर एलिमेंट के लिए,
अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की स्टडी करने के लिए उसे किस में जाना पड़ा होगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ा होगा हर एलिमेंट के लिए। मतलब आप खुद सोचो कितनी मेहनत करी होगी उसने या नहीं करी होगी, उससे बाद में रिजल्ट एक जैसे मिलने शुरू हो गए होंगे, ठीक है, तो उसका उसे पता होगा। लिखो जरा, मोस्टली कैरिड आउट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम of various elements x-ray spectrum of various elements using them as target material in x-ray tube ठीक है using them एज टारगेट मटीरियल इन एक्सरे ट्यूब। तो उसने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ निकाली सबकी। जैसे मैंने कोई टारगेट मटीरियल ले लिया, मान लो मैंने ले लिया निकल ले लिया, ठीक है निकल ले लिया, तो निकल के के अल्फा के बीटा के गामा के डेल्टा सबके वेवलेंथ, एल अल्फा एल बीटा एल गामा सबके वेवलेंथ, एम एन जितने पॉसिबल आए जो भी आया, ठीक है हर एलिमेंट के लिए अलग अलग क्या आया था, स्पेक्ट्रम आया, ठीक है। तो उसने उस स्पेक्ट्रम के हिसाब से उनको अरेंज करा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो वेवलेंथ आई उनका रिलेशन किसके साथ आ रहा था, एटॉमिक नंबर्स के साथ आ रहा था, ना कि एटॉमिक मास के साथ, ना स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ, ना स्पेसिफिक डेंसिटी के साथ, किसी चीज के साथ नहीं आ रहा था। किसके साथ रिलेशन आ रहा था उन वेवलेंथ का, एटॉमिक नंबर्स के साथ। क्लियर इतनी बात? तो उसने कहा भाई पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन व्हाट, एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन अदर फैक्टर्स, ठीक है इतनी बात। तो उसने क्या करा भाई, मतलब हर एलिमेंट को क्या करा, टारगेट मटेरियल बनाया और उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम स्टडी किया। लिखो जरा, ही इज मेजर्ड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ही मेजर्ड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। उसने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की वेवलेंथ निकाली एंड found that and found that square root of frequency मतलब उन वेवलेंथ के corresponding जो frequency है उसका square root of frequency of x-ray photons emitted is directly proportional to atomic number of target material प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, ठीक है इतनी बात। लीनियरली प्रोपोर्शनल लिख लो, डायरेक्टली भी नहीं, कैसे लीनियरली प्रोपोर्शनल, ज्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा, खत्म ही है कहानी। मतलब आपको जो बताया जाता है केमिस्ट्री में वो ये बताया जाता है, अंडर रूट एफ इज इक्वल टू बी जेड माइनस ए, यही बताते हैं। आया कैसे पहला सवाल, क्यों नहीं पता, बिल्कुल पता होना चाहिए, सिंपल सा है। बोलो भाई कैसे आया, अभी चैट बॉक्स वालों जिंदा हो जाओ, बी जेड माइनस ए अंडर रूट एफ, यही तो आता है, आपने सवाल भी करें खूब सारे इसके, क्यों ना करें। चलो मैं बताता हूं भाई, एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ एटम इज
सॉरी सॉरी, ये होता है। किसी भी nth लेवल की एनर्जी होती है माइनस आर एच सी सॉरी जेड स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भाई, किसी भी एटम के लिए, ठीक है इतनी बात आपने पढ़ा हुआ, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मैंने लिखा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हम जो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिखते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लिखते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो न्यूक्लियस को स्क्रीन करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, देखो अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये भाई ठीक है अपनी बात, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जानना चाहता हूं, चलो अब एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर चार्ज Ze प्लस है भाई? इसके ऊपर जो इफेक्टिव चार्ज है इसका रिजल्टेंट आएगा कुछ, हाँ या ना? इस ड्रामे का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज ड्यू टू चार्ज इनसाइड इट, मैं पढ़ा हुआ ऐसा इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है अब वो कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है इतनी बात। तो एक्चुअल में इस जगह पे जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है दैट इज नॉट Ze प्लस, दैट इज हाउ मच Z माइनस ए। अब वो ए मैंने कॉन्स्टेंट ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज वॉट स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, वो अलग अलग शेल में होने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है इतनी बात, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ए इज वॉट स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जेड माइनस ए इंटू ई प्लस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अभी इस बात को ना हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रूव भी करेंगे, ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ठीक है भाई। अब लिखो जरा, ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज, ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सीरीज, अगर के वाले शेल से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अरे भाई के वाले में दो ही होते हैं, हाँ या ना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो नॉकआउट होके ऊपर गया, ठीक है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी व्हाट जेड माइनस वन, अरे एक तो बचा हुआ ना अभी भी, अरे भाई उसके अंदर क्या हो गया जेड माइनस वन, ठीक है इतनी बात। इसी तरीके से अगर एल वाले से गया तो ए की वैल्यू अलग होगी, आपको मैं उसमें सर ने बताया भी होगा उस स्लेटर रूल निकालना, ठीक है तो कभी ये पूछा कि 0.8 कंट्रीब्यूशन क्यों होता है जब वो सेकंड में होता है, या 0.34 क्यों होता है जब वो थर्ड में होता है, पी वाला होता है डी वाला होता है, तो ऐसे बवाल सा अजीबो गरीब कहानी होती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ स्लेटर रूल से निकालते हैं, याद कर लो, ठीक केमिस्ट्री में याद करते रहो मुझे मतलब नहीं, ठीक है अब देखो एक मिनट, चलो अगले चैप्टर में देखेंगे तब देखते हैं, कोशिश करेंगे ठीक है कि हर जगह पर कंट्रीब्यूशन क्यों अलग अलग है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये बात तो होता है कि ए की वैल्यू अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग होगी, पक्की बात है, ठीक है। अब ये बी क्या बवाल है वो भी देख लेते हैं, ठीक है मान लो आपके पास के से एल में गया, कौन सा हो गया के अल्फा हो गया, अरे कौन सा हो गया के अल्फा, तो एन की वैल्यू इनिशियल वाली वन है और फाइनल वाली क्या टू है, ऐसा ही है ना, तो कितना हो गया माइनस आर एच सी अपॉन फोर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर एच सी अपॉन फोर सॉरी फोर नहीं वन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट एच इंटू एफ, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ अल्फा, एफ के अल्फा, हाँ या ना, एफ के अल्फा। अब जरा देखो एच कट गया,
तो एफ के अल्फा ध्यान से देखना कितना आ गया, 3RC/4 स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, स्क्वायर रूट लो, अंडर रूट एफ के अल्फा इज इक्वल टू हाँ या ना, बी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3RC/4, बी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3RC/4 हाँ या ना। अगर यही होता 1 से 3 में जाता तो 8RC/9 मेरे ख्याल से ऐसे ही आता, अरे यार 1/9 1 माइनस 1/9 कितना हो जाता 8RC/9 आ जाता हाँ या ना। मतलब बी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू विद इन द सीरीज भी वेरी करती है, अरे के बीटा अलग हो गया के अल्फा की अलग वैल्यू आ गई, तो लिखो जरा बी इज सम कांस्टेंट, बी इज सम कांस्टेंट विच वेरीज विद इन द सीरीज, सीरीज के अंदर भी क्या कर रहा है वेरी कर रहा है भाई, क्लियर इतनी बात, कोई इशू है इसमें ठीक है। अब ये तो दिखेगा कि क्या आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा, अभी प्रूव करा था हमने, आया था ना भाई अंडर रूट एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 3RC/4 और जेड माइनस ए आ गया था कि नहीं आ गया था ठीक है। अब जरा देखो, तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं और बी सीरीज के अंदर भी वेरी कर रहा है लेकिन ए सीरीज के अंदर वेरी नहीं करेगा, ए डिफरेंट सीरीज के लिए क्या होगा डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखना ठीक है, और बी डिफरेंट सीरीज के लिए भी डिफरेंट है और अपनी सीरीज में भी खुद क्या कर रहा है नाटक कर रहा है ठीक है। ये आ गया ठीक है इतनी बात। अब जरा देखो, अगर मैं प्लॉट करूं, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है हाँ या ना ठीक है, अंडर रूट एफ कैन नॉट बी नेगेटिव ऑब्वियस सी बात है ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ये ए हो जाएगा हाँ या ना, अरे ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ मुझे, ये सुनो ये ए हो जाएगा और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गया, ये एंगल थीटा एम इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू बी हाँ या ना। अब एक चीज देखो, अगर वो इसी वाले ए से तीन, चलो पहले से बना लो, ठीक कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट क्या कह रही है, अरे अंडर रूट एफ जीरो तब होगा जब जेड की वैल्यू क्या हो जाए ए हो जाए, तो सही लिखा हुआ है। अब आप एक काम करो, मान लो हम के अल्फा के लिए सॉरी के सीरीज के लिए बना रहे हैं ठीक है, तो मैंने तीन लाइनें बना दी, ए की वैल्यू फिक्स होगी, अगर के सीरीज है तो ए की वैल्यू क्या हो गई फिक्स हो गई, ये बात पता है। तो जरा देखो, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये ठीक है, इनमें से कौन सा अल्फा वाला है, कौन सा बीटा वाला है, कौन सा गामा वाला है, कौन सा के अल्फा है, कौन सा के बीटा है, कौन सा के गामा है। अब देखो, बी की वैल्यू अल्फा वाले के लिए आई अंडर रूट 3RC/4, बीटा वाले के लिए अंडर रूट 8/9, गामा वाले के लिए 15/16 हाँ या ना, तो 15/16 सबसे बड़ा होता है, 8/9 उसके बाद और 3/4 उसके बाद, मतलब ये कौन हो गया के गामा, ये के बीटा और के अल्फा, यानी कि स्लोप अल्फा वाले का क्या होगा सबसे कम होगा हाँ या ना ठीक है, नोट करो इसे, इस टाइप से सवाल पूछ लेगा हो गया भाई। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं, 3/4 कितना होता है, कितना आया था 0.75, 8/9 कितना होता है
और उसका अंडर रूट 0.75 का अंडर, क्योंकि अंडर रूट भी लेना है ना, 0.75 का अंडर रूट कितना होगा, रुक जाओ एक मिनट, उल्टा भी हो सकता है, निकम्मे आदमी, हाँ उल्टा भी चलता है, ठीक है रुक जा, एक मिनट मुंह बंद रखो, अंडर रूट लेना यार, अरे किसी के पास मोबाइल होगा, कैलकुलेट कर दो, अंडर रूट 0.75 और अंडर रूट 8/9, हाँ कर, जो भी आया, और अंडर रूट 8/9 का 0.94, तो बड़ा आ रहा है किसका, 8/9 का, ठीक है फिर हमने सही लिखा है, ठीक है ठीक है भाई, हो गया ठीक है, तो दिस इज व्हाट मॉसलीज लॉ, ठीक है अब आपकी बुकलेट में एक्सरे के भी सवाल होंगे, ज्यादातर थियोरेटिकल होंगे, दो चार सवाल मॉसली के होंगे, इसको खत्म करो, कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।